एक और आए हैं फिल्म में, कातिल यही है दोस्तों, यूजर मर्डर इन्होंने फोन किया है आज। बट लुक एट यू, यस आज आप दोनों किले नेट क्या बोलते हैं पप्पन खान, आज दुनिया में मेरा नया नाम पता चल गया। नेम्स बनेंगे आज एक नए एक्टर का जन्म हो, जन्म और एक की नई मृत्यु। यस फोटो इधर इधर वीडियो लेफ्ट से शुरू करते हैं। हाँ वीडियो किधर, ओके लेफ्ट। विक्रम चलो नाउ विक्रम, विक्रम क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले फिल्म फाइनली रिलीज होने वाली है जी, नर्वस एक्साइटेड क्या फीलिंग है उसके बारे में बताइए। नहीं नर्वस भी हैं एक्साइटेड भी हैं और खुश भी बहुत हैं, क्योंकि ये फिल्म 2 साल पहले बननी शुरू हुई थी और लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लगता चला गया और हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक अच्छा वक्त आए जब हम ये फिल्म रिलीज़ कर पाएँ, और अब ये रिलीज़ हो रही है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जितने दिल से और इतनी मेहनत से और इतने अच्छे मैसेज के साथ जो हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं वो रिलीज़ हो रही है। फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के रिव्यूज़ कितने मैटर करते हैं? नहीं देखिए दोस्त तो बहुत बहुत क्रिटिक हैं और हमारे दोस्तों में एक अच्छी बात यह है कि जो चीज़ जैसी होती है वो बता देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम जनता है द ऑडियंसेस, आई थिंक दैट दे शुड लव द फिल्म, दे शुड कम एंड वॉच दिस मूवी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी वेरी गुड मैसेज टू इट, एंड बड़े दिल से बनाई है, बड़े मेहनत से बनाई है, तो अगर लोग देखेंगे और पसंद करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। देखिए ये फिल्म यूथ और किसानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है, और जो यूथ की समस्या है और जो किसानों की समस्या है, इन दो समस्याओं को कैसे मिलाकर कैसे ये दो लड़के उस गांव की और कैसे वो गांव इन दो लड़कों की मदद करती है, आई फील कि ये बहुत ही अनूठी कहानी थी अपने आप में और इसको करने में हमें बड़ा मज़ा आया है, और ये जो मैसेज है विच गोज़ डायरेक्टली टू द प्लाइट ऑफ आर फार्मर्स इन आर कंट्री, I think this is a very very important message and I think that if anybody feels anything about farmers they should come and watch this movie. Thank you. Feeling hai isko leke kya expectation ke sath aaye film ko lekar? Trailer ka aao dekha hoga. Trailer dekha hai aur bahut acha trailer hai aur ye mera pyar hai. Main full on support karne aaya hu aur mujhe as an actress ka kaam bahut acha lagta hai to wo bhi dekhne aaya hu aur Mahi mein to हम लोग साथ थे साथ तो थे हम हमारा जिस तरह का एक हमारी जैसी दोस्ती बनी है, आई फील कि मेरे लिए बड़ा अधूरा होता अगर वैभव नहीं आता, तो इफ़ ही इज़ हियर आई एम रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी। तो अभी मैं अनंत से यही पूछ रहा था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली कितने बड़े क्रिटिक हैं आपके, अगर किसी ब्रदर को आपको देख के क्या सच में ऐसे रिव्यूज देते तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब फ्रेंड्स और फैमिली तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहली ऑडियंस वही है तो मैं उनको ही दिखाता हूँ, तो उन्होंने माई भी देखा मेरे साथ सब लोग ने बैठ के और गुल्लक भी देखा, तो काफ़ी अच्छा था सबको, बहुत हाँ। अच्छा लगा। लेकिन ये यहाँ अच्छी बातें बोल रहे हैं, वैसे जब ये फिल्म देखते हैं तो ये पूरी क्रिटिक करते हैं, एक एक बारीकी पकड़ते हैं। सिर्फ मैं नहीं करता, ये भी करते हैं, हम दोनों करते हैं बैठ के। हाँ बट बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी फिल्म आ रही है and I'm like excited to watch his film with him. So yeah, thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Turn जो है वो पहली चीज़ पहले कोई नहीं जानता है, मुझे पता है फिल्म के बारे में, तो पहली चीज़ जो होती है जिससे एक्सपेक्टेशन बनती है उसे कहते हैं ट्रेलर। ट्रेलर तो धमाल है, आप सबने देखा है, और सब्जेक्ट उससे क्लियर हो जाता है, वो भी धमाल है, बहुत अच्छा है, वो सब आपने देख लिया है, तो ऑब्वियस है कि उम्मीद बहुत है इस फिल्म से, और 100% वर्क करेगी, लोगों को पसंद आएगी, एंटरटेन करेगी और कुछ दे के जाएगी जो आज हमारे समाज में और हमारे गांव शहर में सबको ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ तो मिलेगा जिससे उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। सर किसान जैसे हाँ बहुत वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो घर वापसी वाली बात है ना, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, इतना ट्रेलर में झलक देख लिए, बाकी आप लोग फिल्म देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप फिल्म देखेंगे, ये मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, तो थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना हो गया?
आई एम जस्ट हैप्पी एंड रिलीव्ड दैट फाइनली आवर फिल्म इज रिलीजिंग. इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अस. इट टुक इट्स टाइम थैंक्स टू पेंडेमिक एंड वट एवर, बट द गुड थिंग इज दैट वी आर फाइनली कमिंग. काफ़ी प्रमोशन करते हुए हमने देखा दिल्ली में, पुणे में. जी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इन प्रमोशंस का, क्या रिस्पॉन्स था ऑडियंस का? क्वाइट पॉजिटिव एंड ऑनेस्टली टू माई सरप्राइज पीपल वर क्वाइट अवेयर ऑफ आवर फिल्म, यू नो दैट इट्स कमिंग एंड दे रियली लाइक द सॉन्ग, सो ऑल गुड वाइब्स. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिल्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करती है, किसानों के मुद्दे पे बात. या तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ सकते हो इस फिल्म में? आई मीन गाइस जस्ट कम यार, ये इट्स अ स्पेशल फिल्म क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द यूथ ऑफ आर कंट्री, इट टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ आर फार्मर्स टुडे इन आर कंट्री, एंड दीज टू थिंग्स आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ आर कंट्री. सो वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, मेक श्योर दीज टू पावर्स कम टुगेदर, ओनली देन आर नेशन कैन एक्चुअली सक्सीड इन यू नो बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन. सो कम वॉच दिस एंड हैव फन. द फिल्म इज बढ़िया है, हमने खूब मजे से बनाई है और एंटरटेनिंग है. होप यू लाइक द स्टोरीज, द कैरेक्टर. आज जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली फिल्म देखने वाली है, तो कितने बड़े क्रिटिक है फ्रेंड्स और फैमिली को देखने के बाद, क्या रिव्यूज रहते हैं? आई थिंक मीडियम टू हार्ड है, यू नो. तो कभी कभी दिल रखने के लिए बोल भी देते हैं कुछ भी हो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बट जनरली दे आर ऑनेस्ट ऑल्सो, सो दे वुड टेल मी कि क्या पसंद आया क्या नहीं आया. थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग. रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? नर्वस एक्साइटेड फिल्म को लेके कितने, क्या कहते? सी फ्राइडे जो होता है ना, शुक्रवार, मैं मानता हूँ कि दुनिया भर के लिए एक नॉर्मल शुक्रवार होता है, लेकिन जो एक फिल्म एक्टर होता है उसके लिए, जिसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है उसके लिए शुक्रवार एक ईद और दिवाली जैसा होता है. और ईद और दिवाली जब भी आती है एक बहुत लंबी तपस्या के बाद आती है, चाहे वो एक महीने के रोज़े हों या एक 14 बरस का वनवास हो. तो पेंडेमिक की वजह से हम लोग सिनेमा से काफ़ी दूर थे और घर पे ही मनोरंजन हो रहा था, OTT पे, TV पे, मोबाइल पे. तो हम लोग मिस कर रहे थे इस मैजिक को, क्योंकि सिनेमा का जो मैजिक है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ना वो छोटा पर्दा, टेलीविज़न, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. क्योंकि वहाँ पे एक आदमी नहीं हंसता, बहुत सारे लोग हंसते हैं. वहाँ पे एक आदमी नहीं रोता, बहुत सारे लोग रोते हैं. तो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए फिल्म, ये जो मैजिक है ये इसके कोई तोड़ नहीं है. और डेफिनेटली आज मतलब हमारे लिए एक ईद जैसा है कि फाइनली 2 साल का पेशेंस जो है वो उसका सब्र का फल मिलने वाला है और फिल्म रिलीज़ हो रही है. तो बस यही लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल पर फिल्म देख रहे हैं तो आप फिल्म तो देख लेंगे लेकिन वो एक्सपीरियंस मिस कर देंगे जो एक सिनेमा में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस होता है. और दूसरी बात यह है कि इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट चाहिए होता है ऑडियंस का, जो कि मासेस से कंसर्न है, उनके मुद्दों से. किसानों का एक मुद्दा है, लोग बहुत सारे निराशाओं से घिरे हुए किसान सुसाइड करते हैं, बहुत सारे युवा सुसाइड कर रहे हैं. तो जब उम्मीद खो चुका होता है आदमी तो उसको एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है. तो ये एक फिल्म मेरे ख्याल से उसमें एक अच्छा प्रयास है. तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो टू द थिएटर नियर देम एंड वॉच दिस फिल्म इन सिनेमा हॉल्स. थैंक यू सो मच. और क्या क्या मैसेज देगी ऑडियंस को अगर आप बारे में बताएं? मोस्टली क्या होता है फिल्में, हालांकि फिल्म का काम नहीं है कि बहुत ज्ञान दिया जाए, लेकिन कई बार खाली सवाल उठा देना भी एक फिल्म का काम होता है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल तो हम जानते हैं, इसका जवाब क्या है, सॉल्यूशन क्या है. तो इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इस फिल्म में एड्रेस किया गया है. तो खाली प्रॉब्लम्स ही नहीं है, उनके सॉल्यूशन, उनके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो भी दिखाने की कोशिश की गई है. तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तो तब आप शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. क्योंकि खाली सवाल उठा देना फिर भी अलग बात है, लेकिन सवाल के जो संभावित जवाब हैं वो जवाब बताना भी बहुत ज़रूरी है. इस फिल्म में वो सारे जवाब भी बताए गए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे हमारे ट्रेलर को, सॉन्ग्स को भी. एंड वी आर वेरी लाइक टच एंड यू नो ऑनर्ड, दे हैव रियली अप्रिशिएटेड द ट्रेलर सो मच. मैं आई एम फराज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके का प्यार हमारे ट्रेलर को मिला है बस उतना ही प्यार हमारी फिल्म को भी मिले जो कल रिलीज़ होने वाली है. और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है.
तो सभी लोग 6 तारीख से आगे तो एक्टरों के बारे में क्या आइए आइए, ये आनंद है, आइए बिल्कुल आइए। और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, तो ज़रूर देखें आप सिनेमा घर में जाकर। वेयर इज देवेंदु? देवेंदु उधर है, ओके उसे भी बुला, वो भी आ रहा है। यस देवेंदु को बुला दो। आप लोग देखेंगे ना फिल्म? यस यस। सो जैसे मैंने सारे एक्टर्स से पूछा था कि फ्रेंड्स और फैमिली आज फिल्म देखने वाले हैं, कितने बड़े क्रिटिक हैं फ्रेंड्स और फैमिली आपके, क्या वो लोग मतलब सच्चाई बताते हैं कि आपने कैसा काम किया? मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी क्रिटिक है, आई थिंक हम सबकी रहती है। मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी क्रिटिक है, इसलिए मैं डर के उनको आधे टाइम अपने प्रेमियों से बुलाती नहीं हूँ। मैं बाहर भी उनके रिस्पॉन्सेज देखती हूँ, अलोन बाय माई सेल्फ विद देम, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म वी ऑल आर, बिकॉज जिस मुद्दे पे बातचीत हो रही है वो हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कोशिश करी है टू बी पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, टू इनिशिएट अ डायलॉग, एंड फराज सर ने बहुत मन से और बहुत शिद्दत और यू नो रिसर्च के बाद ये स्क्रिप्ट को बुना था, एंड उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही जा रही हैं किसानों के प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आपका काम है इसको यू नो अप्रिशिएट करना, इस फिल्म को देखना और इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना। आइए आइए। सॉरी टू इंटरप्ट। थैंक यू, फाइनली वन कॉम्प्लीमेंट्री। मैं कहाँ हूँ? आइए। अरे आप हर जगह है, आप हर जगह है। तो अब हमारी पूरी मेन कास्ट आपके सामने है, मैं जिसने फिल्म बनाई है, डायरेक्टर भी आपके सामने है, जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। फराज भाई, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए जो फिल्म देखने वाली है? बिल्कुल, इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ये फिल्म न सिर्फ किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फिल्म इस कंट्री के यूथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसे जाकर, और ट्रेलर को जिस तरह पसंद किया है उस तरह फिल्म को भी पसंद करें। कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे एक्टर्स के साथ? आनंद है, अनुप्रिया है, थोड़ा सा बताइए। बहुत मेहनत की है प्रमोशन के टाइम पे भी और फिल्म के। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफों का वक्त आ गया। वही कि इमाम के साथ कैसा लगा? मैं बहुत लकी हूँ कि ये कास्ट जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है, ये मेरी फिल्म का पार्ट है, और ऑफकोर्स इन लोगों के साथ काम करना इतना कमाल का था एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि, सोच रहा था कि क्योंकि डिफ़िकल्ट फिल्म थी, इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, एक्टर्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद टाइम फ्रेम में हम ख़त्म नहीं कर पाते। बहुत ठंड थी जिस टाइम हमने ये फिल्म शूट की है, और बहुत इमोशनली कनेक्ट चाहिए था इस फिल्म के किरदारों को निभाने के लिए, जो देवेंदु, अनंत, अनुप्रिया और इनाम भाई ने बहुत कमाल तरीके से इस फिल्म में किया है, अपना किरदार निभाया है। तो उम्मीद करता हूँ जब आप फिल्म देखेंगे तो सभी को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का काम है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने तारीफ करी, बट फराज इज द बेस्ट डायरेक्टर यू कैन हैव। करेक्ट, इज ऑलवेज ओपन फॉर अ डिस्कशन, यू नो कुछ इम्प्रूव करना हो सीन में, ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू। सो थैंक यू। मैं कह सकता हूँ कि यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, जो इनकी जवानी छलक, तो 4 फिल्मों की फिल्मोग्राफी इस उम्र में अपने कंधों पे लेके चलना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अचीवमेंट, एंड जैसा कि दिव्यांगों ने कहा, कमाल के प्रोफेशनल है, दोस्ती भी मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू। फिल्म देखिए, फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा है, प्रमोशन शो, फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सो एक्साइटेड हैं, नर्वस तो फार्मर्स हैं, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सारे किसानों को बोलिए कि वेयर आई शुड सी सेंटर। ओके, सो नर्वस तो हूँ, बट जितने ज़्यादा फार्मर्स नर्वस होते हैं उतनी ज़्यादा तो नहीं हूँ। तो बस वो आके फिल्म देखिए, और आप प्लीज़ ज़्यादा प्यार दीजिए फिल्म को, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, स्प्रेड कीजिए। थैंक यू। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टर्स के साथ, और आप लोग प्रमोशन के लिए गए थे दिल्ली पुणे, वहाँ का किस तरह का रिस्पांस था लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस, तो बहुत अच्छा था, और एक्टर्स के साथ तो बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, तो यू ऑल विल सी, यू विल एंजॉय। लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्या यूएसपी होगी और क्यों देखें? सारी यूएसपी आप फिल्म थिएटर में जाके देखिए, मेरे देश की धरती कल रिलीज़ हो गया। थैंक यू।